हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं देवभूमि उत्तराखंड चमोली रिंकू पहाड़ी और ब्लॉग शूट हो रहा है मेरा सुबह का टाइम। टाइम हो चुका है 8:04। बाकी नाश्ता नुश्ता करके मैं रोज़ की तरह अभी जा रही हूँ। एक खेत है हमारा ऊपर के लिए मंडवा का, तो वहाँ दाल भी है, उसको देखने काटने। बाकी आधा कल अन्नू की दादी ला गई थी, आधा मैं देखूंगी। बाकी वहाँ घास भी काटना है तो घास भी काटूंगी। और अन्नू अपने दादा दादी के साथ है। अगर दादा चमोली नहीं जाएंगे, कल नहीं गए, आज भी देखते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो दादी आएगी, वरना दादी नहीं आएगी। चलिए। और धूप भी आज का बहुत तेज़ी हो रही है। बाकी यहाँ नीचे ठंडा आ जाता तो हम सोचते हैं कि अभी तक उतने पर, जैसे जैसे हम ऊपर खेतों की ओर जाते हैं वहाँ तो बहुत तेज़ की धूप आ जाती है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि अभी हो रहा है टाइम। बाकी ऊपर तो बहुत तेज़ की धूप, जिस वजह से गर्मी होती है। बाकी मौसम सब साफ हो गए। यहाँ पे आराम करती क्योंकि एक दीदी भी आ रही है, तो फिर मैं पहुँच गई हूँ खेत में। बाकी अब यहाँ जैसे घास भी और रेडवेंस दाल भी, अब मुझे निकालना है काली दाल जो ये पीली पीली पत्थर की, तो इसको छांट के निकालना पड़ेगा, तो टाइम तो लगेगा ही। फिर घास खा रही हूँ, तो जल्दी से निकालते हैं पहले दाल। तो मैंने इतना निकाल दिया है यह काली दाल। हाँ, मैं खुदा को टिपूंगी जो हो रखा है। बाकी तो हरा है, देखो कितना हो रखा घास, पूरा घास है। तो एक बार टिपूंगी मैं। मैं घास खा रही हूँ और टाइम हो चुका है अभी 10:30 के। वहाँ खाली दाल निकाली, थोड़ा घास बनाया, उसके बाद अन्नू दादी दाल लेने आ गई थी और मैं घास लेके आई। बाकी छत में उसको सुखाने डालने हैं। बाकी मैं बना रही हूँ अभी थोड़ा सा चाय और उसके बाद जाएंगे। 2-3 खेत हमारे इधर को हैं दाल निकालने को। ये अन्नू गद्दे को दे सुखाने को डाल रखे हैं क्योंकि टॉयलेट के होते हैं चदर चुदर, तो और आधा धो लेते हैं नहीं तो बदबू आ जाती है। बाकी धूप भी बहुत अच्छी लगी है, मौसम देख सकते हो आप लोग, आसमान नीला हो रखा है। बाकी अन्नू के कपड़े भी हमने धो रखे हैं, वो भी सुखाने को डाल रखा है। तो ऊपर आप छत में देखिए घास की झुड़ियाँ लगी है, तो ऊपर छत में घास को सुखाने डाल रखा है क्योंकि यहाँ पे भी धूप नहीं रहता है। और साई के जो हमारे उधर है वहाँ पेड़ हो रखे तो घास सूखता नहीं है। बाकी आप मौसम देख सकते हो, बाकी वही होगा बादल रुद्रनाथ के पहाड़ों में, और जगह नहीं है कहीं भी नहीं। महाराज उठ गया है। ओ महाराज, खुल गई नींद। हाँ, उसको उधर रख। अलग आओ मम्मी, ने मुझे मे पे ना छतल पे लगे, ठंडा हो ना। आज अन्नू पे छतल पे ना लगी, छतल पे ना लगी, उठ गया, हो गई नींद पूरी। हाँ, सो जा दोबारा, सो जा सो जा सो जा, इसमें सो जा, ये सोई चोई 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 काट दो, चोई चोई। बज चुके हैं 11:50 हो गया है। बाकी मैं हूँ अन्नू के साथ और अन्नू की दादी चली गई है अभी दाल निकालने उधर खेतों में, क्योंकि मुझे मना किया। कल बहुत लेट आई थी मैं 12 बजे, तो थोड़ा मैं ऐसा होता कि बच्चे को दूध वूध पिलाते हैं तो उसमें गर्म हो जाता है, तो डर भी लग रहा है कि अब तक अन्नू को गर्म होगा तो बीमार होगा तो अच्छा नहीं होता। बाकी मैं आ गई थी जल्दी जल्दी आज, और अभी वो चले गए हैं। बाकी शाम को जल्दी, शाम को थोड़ा ठंडा रहता है। बाकी धूप भी अच्छी लगी है बाहर। और अब बनाते हैं खाना और इस पर मालिश करते हैं और उसके बाद सुला देते हैं इसको। नींद भी आ गई।
गुच्छा कर दे दो, अनु गुच्छा कर दे दो, अनु ले यो गुच्छा। चले जी, यहाँ पे है तुरई, तो आज मैं तुरई के साथ बनाऊंगी। बाकी मैंने इसको रख दिया है कड़ी को चूल्हे पे, और इसमें तुरई डाल, क्योंकि आज आटा कम डाल कर इस तुरई से गाढ़ा हो जाता है, तब इसमें कुछ नहीं डाल कर मैंने। पहले इसको खरोड़ते हैं चम्मच से। चलो जी, मैंने तुरई को भी खरोड़ दिया है, इसको निकाल दिया अंदर का, ताकि ये गाय के काम आ जाएगा। इसमें डाल देती हूँ उसको। घूमे बन चुके हैं, कितना हो गए थे, 4:30 हो गए, 4:22, और चाय चूई हमारी हो गई है। अब जा रही हूँ मैं दाल निकालने इधर वाले खेतों में। दादी सुबह ऊपर गई थी, अभी मैं दूसरे वाले खेत में जा रही थी, और एक नीचे है, बस हो गया। तो चलिए, पूरा भी टीप ना है निकालना है, बाकी अंधेरा हो जाता जल्दी। बाकी मैं भी अभी दाल निकालने जा रही हूँ, और यहाँ मूल हो रखा बहुत ज़्यादा। डर भी लग रही है सांप की। आपकी डर भी लग रही है ना, मच्छर देखो कितने मच्छर हो रही है। आप लोग यहाँ देख सकते हो, लोगों ने रास्ता कर रखा है इधर वाले ऊपर के लिए। अपने खेत में मैं पहुँच गई हूँ, अब निकालते हैं दाल एक जगह पे। सोल्टी रख देती हूँ यहाँ पे, सुंगर उन्होंने कैसा कर रखा। सोल्टी रख देते हैं और काटते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ मंडवा अनु की दादी ने लवाई कर रखी है, और अब हो गई दाल। मुझे ये दाल निकालना है यहाँ से जड़ पहचान के, बाकी सुंगर ने कैसा कर रखा। दोस्तों, मैं इतना निकाल दिया है, बाकी ये मुट्ठी मुट्ठी बांध रखी मैंने, जो कि खड़ा एक दूसरे के सपोर्ट से खड़े रहेंगे, नहीं तो ऐसा और क्या दिस बिस्तर। 5:30 भी हो गया है, बाकी मैंने आधा दाल भी निकाल दिया है। चले जी, मैंने भी सोल्टी में रख दिया है दाल, थोड़ा सा घास। ये हमारी होती है 3 महीने की दाल, काली दाल 3 महीने की होती है। बाकी अंधेरा भी हो चुका है और 6 बज गए आज, चलते हैं घर के लिए। रास्ता देखिए, अंधेरा हो गया है। चले जी, मैंने छत में भी डाल दिया है दाल को। आज बननी है तुरई और आलू की सब्जी। आलू को खींच के डाल खाने में, तो हमारा खाना भी बन चुका है, और टाइम भी हो गया है अभी 7:40। बाकी अभी बन रखा है और खाएंगे थोड़ी देर में, और अभी खिलाऊंगी मैं, पहले अन्नु को खिलाएंगे खाना। अभी वो पानी पी रहा है अपने आप, पानी घर का बस। तो अन्नू को खाएंगे, स्वाद हम खाएंगे।
तो चले जी ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करूँगी। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज।